आज हम ओडिशा का एक बहुत ही फेमस डिश बनाने वाले हैं, जिसे ओडिशा में इसको बोलते हैं बीरी वड़ा और हिंदी में आप लोग इसे मेदू वड़ा बोलते हैं, जिसे बहुत ही ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी एंड अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है, लेकिन हम इसे परफेक्ट तरीके से दुकान जैसा बना नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों के साथ आज बहुत ही ईजी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपके भी वड़ा बहुत ही परफेक्ट बनेगा और खाने में एकदम दुकान जैसा टेस्टी बनेगा। सो फ्रेंड, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर रेसिपी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे उड़द दाल को 4 से 5 घंटा के लिए पानी में सोख होने के लिए रख दी थी। अब मैं इसे अच्छे तरह से वॉश करके ले लिया हूँ। अब उड़द दाल को हम एक मिक्सिंग बाउल के मदद से सारे दाल को हम अच्छे तरह से पीस लेंगे। उड़द दाल को मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरह से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डाल के आपको अच्छे तरह से एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे दाल हमारा बहुत ही अच्छे तरह से पीस चुका है, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। हम ये सारे दाल को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। सारा दाल मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन में निकाल चुकी हूँ और हाथों की मदद से इस तरह से हम अच्छे तरह से 10 से 15 मिनट तक ऐसे फेंट लेंगे। मैं जैसे ही फेंट रही हूँ, आप लगातार इसी तरह से फेंटते हुए 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि हमारा जो बड़ा बनेगा बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही फ्लफी बनेगा, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी एंड अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे दाल को फेंटते हुए मुझे 15 मिनट हो चुका है। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारा बहुत ही अच्छा तरह से फूल चुका है। फिर हम यहाँ पे और भी चीज़ ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 कप सूजी लिया हूँ। इसी कप में मैं मेजर करके दाल 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाली थी और इसी कप में मेजर करके मैं 1 कप सूजी डाल रही हूँ। आप भी इसी चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि आपकी बड़ा भी बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। आप अगर दुकान जैसा एकदम परफेक्ट बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको इस मेजरमेंट का ध्यान जरूर रखें और स्वाद अनुसार नमक डालें और 1/2 छोटी चम्मच मीठा सोडा डाल के इन सारे चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स करके आपको 1 घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देने हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है, बैटर हमारा बहुत ही अच्छे तरह रेस्ट करके बहुत ही अच्छे तरह से फूल चुका है। फिर मैं यहाँ पे 2 प्याज को चॉप्ड करके डाल रही हूँ और कुछ कड़ी पत्ते को भी चॉप्ड करके डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते डालने से बड़ा में बहुत ही अच्छे से एक फ्लेवर एंड बहुत ही अच्छे से एक स्वाद आता है, आप भी ये ज़रूर डालें। फिर मैं, आप चाहे तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, मेरे बच्चे खाएँगे इसीलिए मैं पाउडर वाला मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा तीखा लगता है। आपके पास, आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च को चॉप करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप यहाँ पे 1 बड़े चम्मच कुटा हुआ अदरक डालें, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी, आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इन सारे चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स कर लें। सब फ्रेंड, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको बड़ा बनाने के लिए बहुत ही 2-3 से आसान तरीके बताऊंगी। पहले तो आप हाथों को अच्छे तरह से इसे एक पानी के बर्तन में अच्छे तरह से डुबो लें और जो बड़ा का जो बैटर बना के रखे थे, आप इसमें एक छोटा सा लोई लाए। पानी में डुबोने से क्या होता है, हाथों में आपका बिल्कुल नहीं चिपकता है बैटर, तो आप इस तरह से एक बड़ा वाला चम्मच ले लें और उसके ऊपर उस लोई को रख के अच्छे तरह से एक बड़ा का शेप दे दें। ये बहुत ही आसान तरीका है और हाथों में आपका ऑयल भी बिल्कुल नहीं लगता है, गरम ऑयल आपका हाथों में लगने का बिल्कुल भी चांस नहीं है और एकदम दुकान जैसा परफेक्ट शेप में बनता है। फिर आप उसी चम्मच को उल्टा के गरम ऑयल में थोड़ा सा हिला देने से वड़ा बहुत ही अच्छे तरह से नीचे निकल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहले से ऑयल गर्म करके रखी थी। सेकेंड तरीके में आपको क्या करना है, हाथों को उसी तरह से पानी में गीला कर लेने और लोई लाना है और बीच के भाग को अच्छे तरह से एक होल बना के बस उंगली को थोड़ा सा हिलाने से बहुत ही अच्छे तरह से नीचे गिर जाता है। लेकिन इस चीज़ को करने के समय आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, कई बार ऑयल छिड़क के हाथों में लग जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो परफेक्ट बनेगा, सही तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। बड़ा का दोनों तरफ से अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा हमारा बहुत ही अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, एकदम दुकान जैसा शेप भी बन के रेडी हो गया है। सो हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और उसी सेम प्रोसेस में हम बाकी सारी बड़ा को उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सो
सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म बहुत सारी बड़ा बन के रेडी हो गया है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और इस तरह से बड़ा बना है हमारे यहाँ पे बड़ा कितना सॉफ्ट एंड कितना फ्लफी बना है आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही फ्लफी बना है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और घर में इस तरह से बनाएं और सभी को खिलाएं। रेसिपी कैसे बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।